हेलो गाइस, वेलकम टू एस गैन। टुडे इज 21 मार्च 2021। सॉरी, दुई दिन करंट अफेयर्स अपलोड हो पालानी। मुझे वीडियो रे सब कि मेकअप करने ट्राए करी, टी आउट ऑफ स्टेशन जावाक पड़ा तो करें टी बिजी थी। सो चलत स्टार्ट करवा। 21 मार्च रे 19 रो 20 दुईटाकर आम करंट तीन दिन करंट अफेयर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 मार्च बहुत गोटे इम्पोर्टाट डे, कहीं 20 मार्च बहुत गुड़े इम्पोर्टाट डे सेलिब्रेट हो कौन देखूँ। फर्स्ट हूँ आम वर्ल्ड स्पारो डे। वर्ल्ड स्पारो डे कौन आम इनिशिएटिव किए नहीं आम गोटे नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया, जोटा कि आम इंडिया गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे स्टार्ट भी करते से भी आम इंडिया लोक। द नंबर ऑफ स्पारोज हाज डिक्लाइंड शार्पली इन द पास्ट फ्यू इयर्स। किछि वर्ष हेलाने स्पारो मानंकर आमर संख्या कमी कमी जाउछि, तो सेथि पई ए इनिशिएटिवटा निया हेछि। तो 2021 रो थीम कौन आमर होछि आई लव स्पारो, ठीक अछि। नेक्स्ट होछि ट्यूनिशिया, आमर जानथि आफ्रिकार गोटे कंट्री, मैप रे आपण जाई देखि परिवे। तार 20 मार्च होछि इंडिपेंडेंस डे, ठीक। नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टाट डे होछि वर्ल्ड ओराल हेल्थ डे। थीम कौन बी प्राउड ऑफ योर माउथ। आमर माउथ रो केयर नापी बामर माउथ रो इम्पोर्टेंसटा चारिआडे अवेयरनेस बढ़ेवापी आमर वर्ल्ड ओराल हेल्थ डे सेलिब्रेट कराऊ। तार थीम मन रखे बी प्राउड ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे, 20 मार्च को भी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी डे भी कह जाऊँ, ठीक अच्छे। डिजिटल क्लीन अप डे भी 20 मार्च को कहुचे। नेक्स्ट हूँ बहुत इम्पोर्टाट, 20 मार्च रे आम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी रिपोर्ट आसी जाए। आम रिपोर्ट आसी जाए मान हूँ जे 20 मार्च को आम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हिसाब से भी सेलिब्रेट कराऊ। आम ए बर्षर थीम कौन हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर यहाँ बहुत इम्पोर्टाट, यहाँ मन रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 19 तारीख दिन संध्या बेले तार रिपोर्ट आसी जाए। तो आमर एटा केबे टू सेलिब्रेट कराऊ हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस केबे टू सेलिब्रेट होउची 2013 रु सेलिब्रेशन चली द्वारा जातिसंघ बारे आमर यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो इंडिया रैंक केते होची आमर देखंतु 19 तारीख दिन यार रिपोर्ट आसी जाए जे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया रैंक केते होची वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 149 आउट ऑफ 149, माने 149 देश मध्यरु इंडिया रा रैंक होची 149, जोटा कि आम कह बहुत ही खराब। बाकी आम पॉपुलेशन अधिका बहुत गुड़े प्रॉब्लम देखिए आम जाऊँ, आम स्ट्रगलिंग स्टेज चली। आम जो गोटे डेवलपिंग कंट्री तो आमको बहुत सारा मानने फेस देखिए भी जीवा पड़ू, तो से इंडिया रा रैंक भी कमी जाइए आम कह। आ इंडिया रा नेबरिंग कंट्रीज जिते भी अच्छे समस्ते इंडिया रु भल रैंक रखिंट, चाइना कहतु मैंने नेपाल कहतु श्रीलंका कहतु भूटान कहतु समस्त रिपोर्ट आम बहुत भल अच्छे। तो ये हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे किए टॉप करी को कंट्री से हो फिनलैंड। फिनलैंड रो पॉपुलेशन कह गए 60 कि 65 लाख ही हम, ठीक अच्छे। तार पॉपुलेशन तार प्राइम मिनिस्टर ये देखिपारे फोटो अच्छे ये देखु प्राइम मिनिस्टर नाम हो साना मैरिन। यहाँ बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन, साना मैरिन होंगे आम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, माने ये हूँ 35 ओल्ड जन लेडीज जहाँ जी हूँ आम विश्वर सर्वकनिष्ठ प्रधानमंत्री। तो या फोटो आप देखिपे आम लास्ट किए अच्छे आम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रे सब खराब प्रदर्शन किए कर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आम लास्ट अच्छे मैंने 149 रैंक, आ इंडिया आप मन रखी 139। नेक्स्ट हूँ एम्बेसी ऑफ इंडिया लॉन्च द फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस इन व्हिच कंट्री। एटा एक्चुअली एटी मिस्टेक, इन व्हिच कंट्री। तो एटा हमर होची सियोल। सियोल होची हमर कैपिटल कहार साउथ कोरिया रो। सियोल होची हमर साउथ कोरिया रो कैपिटल। तो सेठारे हमर एम्बेसी ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया हमर कोन कहबे हमर जो हाई कमिश्नर माने हमर इंडिया को रिप्रेजेंट करथवा जो ऑफिस हमर जो इंडियन फॉरेन सर्विस थ्रू रे जो माने फॉरेन रे जो है कि फॉरेन ने जाय कि हमर जो माने इंडिया को रिप्रेजेंट करंती सेठी कर से ऑफिस टा को जे एम्बेसी बा हमर बेलबेले गोटे गोटे जगह रे कोंती कमिश्नर हाई कमिश्नर ऑफिस। तो एम्बेसी इंडियन एम्बेसी तरफ रु सीओल ले कौन है ना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म को माने आम जे मिनिस्टर अच्छा किए प्रहलाद सिंह पटेल को से जो आम इवेंट रे तांको चीफ गेस्ट भाव में डकाई। एटा को इवेंट आम हूँ फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस कौन आम 2022 को आम इंडिया इंडिपेंडेंस को 75 इयर्स हो
तो सेथिपाई गोटे 75 सप्ताह 75 वीक्स रो गोटे सेलिब्रेशन स्टार्ट हेजी ए मार्च समथिंग मार्च केतेरु हमर प्राइम मिनिस्टर मोदी को द्वारा ए इवेंट स्टार्ट होई जाइछि जोडा कि हमर नेक्स्ट अगस्त पर्यंत बोधे चालिबो 2022 पर्यंत। तो ता तरफ गोटे कल्चरल इवेंट आम कही पार जोटा कि आम सिओल स्टार्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस कोठी आम सिओल बा साउथ कोरिया रे कल्चरल इवेंट माने कौन किटा आम इंडिया रो ट्रेडिशन कल्चर को सेठे शो कराई ठीक अच्छे। तो इंडिया शेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस डे विथ द पीपुल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट इंडिया फॉरेस्ट कवर इनक्रीजेस टू आंसर होची 24.56%। आमर एनवायरनमेंट मिनिस्टर किए अच्छा प्रकाश जावेदकर से इनफर्मेशन दे इंडिया रो फॉरेस्ट कवर माने आम टोटल इंडिया रो एरिया जी से एरिया रे माने आम 24% जाऊँच कौन फॉरेस्ट कवर 24% आम टोटल एरिया रो 100% जब टोटल धर जाए 24% एरिया 24.5% होची आम फॉरेस्ट कवर जोटा कि आम टे बढ़ी जोटा कि मैंने किए आम इनफर्मेशन देखते एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर इंपोर्टेंट हाँ। नेक्स्ट यहाँ पढ़ी पारे कि इंडिया फॉरेस्ट कवर एवं के 24.56%। नेक्स्ट होची डैश हाज अप्रूव्ड 500 मिलियन फाइनेंस टू हेल्प बांग्लादेश बांग्लादेश को हेल्प करने किए कौ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर 500 मिलियन डॉलर किए आमर आंसर होची वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन करा आमर 500 मिलियन डॉलर देची क्या बांग्लादेश को बांग्लादेश को दवा फल कौन हम ना बांग्लादेश जी भी पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन 40% लोक वैक्सीनेशन पाइपर ये 500 मिलियन डॉलर थ्रू रे ठीक अच्छे। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट असेंबली हाज पास्ड रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल 2021 को स्टेट बाहर माने गोटे बिल पास करछि को स्टेट असेंबली जो थे कहा जाए कि जदि तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को बा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तुम कौन से हड़ताल बा एजिटेशन शो करने समय रे हड़ताल करवा समय जब तुम भांगुच बा तुम कौन करना डैमेज कर पब्लिक प्रॉपर्टी को ताले तुमको कौन करा पड़ो तुमको रिकवरी देवा पड़ो गवर्नमेंट को ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ आंसर हूँ हरियाणा हरियाणा बिल हरियाणा गवर्नमेंट कौन करा ये बिलटा को पास कर जो बिल प्रोवाइड करे कौन फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस जदि आप डैमेज कर गवर्नमेंट ताको रिकवरी कर क्या डैमेज कर पब्लिक प्रॉपर्टीज को कॉज्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग एजिटेशन आपड़ कौन सी डिमांड मागुच गवर्नमेंट आगे बामर रिओर्ट्स थ्रू रे वायलेंट करी आमर हड़ताल करी जदि आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी को मानने जो कहते डैमेज कर रिकवरी कर रिकवरी देवा पड़ो गवर्नमेंट को। नेक्स्ट हु एक्सपेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट 5% इन 2021 आंसर होची यूएनसीटीईडी यूएनसीटीईडी कौन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन अच्छी माने आगे माने जानी पारुथिबे एटा यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन नो गोटे बॉडी जो यूनाइटेड नेशन माने हमें कहू कहपरे जातिसंघ रो गोटे बॉडी होची यूएनसीटीईडी। तो तार एवं कौन कर सी एवं बाहर कर इंडिया जी डी पी ग्रोथ 2021 5% रही। तो यूएनसीटीईडी आम एस्टाब्लीश के 1964 मसीह तार हेडक्वाटर कौटी जेनिवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हु हाज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सर्व ओमेन एक्सलेन्स अवार्ड यहाँ फटो ये देखिपे ये होंगे सोनू गांधी सी आमर एवं कौन कहले हाइद्राबाद गोटे आम साइंटिस्ट अच्छा कौटी एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एनआईएबी रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हाइद्राबाद जो साइंटिस्ट अच्छा डॉक्टर सोनू गांधी मिली कौन ना आमर प्रेस्टिजियस सर्व ओमेन सर्व फुल फॉर्म कौन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जे कि आमर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक अंडर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड तरफ गोटे अवार्ड मिले। तो सोनू गांधी को डॉक्टर सोनू गांधी को सीटा मिली कौन पाई कहीं ना से एबे रिसेंटली डेवलप कर गोटे स्मार्ट नानो डिवाइस फॉर द डिटेक्शन ऑफ रूमाटॉइड आर्थराइटिस
माने आमर आंठु गंठी बात पाई कार्डियोवास्कुलर डिजीज पाई आमर हार्ट पेशेंट पाई जापानीज एनसेफलाइटिस आपण जो जानिथिबे जो ब्रेन को जो जोरटा आसे जो आंतरिक जोर ना समथिंग गोटे कौन कहती जापानीज एनसेफलाइटिस हाज बीन तापाई से गोटे स्मार्ट डिवाइस गोटे क्रिएट कर डेवलप कर जो कि प्रेस्टिजियस सर्व साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड तरफ वोमेन एक्सलेंस अवार्ड मिले डॉक्टर सोनू गांधी को। नेक्स्ट व्हिच गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो प्राइवेट सेक्टर जॉब रे को स्टेट गवर्नमेंट एवं कौन कर 75% रिजर्वेशन कर दीजिए कहाँपाई तार लोकाल गवर्नमेंट पाई जदि प्राइवेट रे कौन से जॉब बाहर 75% रिजर्वेशन कहाँपाई रहइबो आंसर होची झारखंड। झारखंड रो लोकाल गवर्नमेंट मा लोकाल पिलांको पाई लोकाल लोकंको पाई 75% रिजर्वेशन रहइबो प्राइवेट सेक्टर रे। तो जो माने सही जॉब रे ही माने हमर रिजर्वेशन रहइबो को जॉब रे जो जॉब रे 30,000 पर्यंत सैलरी थिबो 30,000 ऊर्ध सैलरी रे रिजर्वेशन रहइबो नै 30,000 पर्यंत जो तक हमर जॉब रहिची सेथिरे हमर रिजर्वेशन रहइबो 75% को स्टेट गवर्नमेंट काढिची हमर होची झारखंड। नेक्स्ट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया माने हमर तंजानिया हमर देखि पारु थिबे एटा होची हमर आफ्रिका। ठीक अच्छे आफ्रिकार जो रेडटा अच्छे ना मुझे जो मैप्र चिन्ह मैं चित्रटा देटा हूँ तंजानिया तंजानिया यहाँ हूँ छोट चित्रटा आम जो कह छोट तो मैं ब्रडर व्यू ब्रडर चित्रटा। तो तंजानिया रे फर्स्ट प्रेसिडेंट किए अच्छा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किए तक ना हूँ सामिया सुलुहु हूँ तंजानिया देशर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये बहुत इंपोर्टेंट। तो कौन पाई एबे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हेले कहना तंकर पूर्वर जे प्रेसिडेंट थिले जॉन मागुफुई तो तंकर सडन डेथ हो जाए तो तंक परे परे सामिया सुलुहु को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हिसाब से दि जाए। तो तंजानिया देखिपार थे यहाँ आमर इंडिया एडा देखु इंडिया ठीक अच्छे यहाँ आम चाइना। तो यहाँ आमर हूँ तंजानिया तंजानिया कैपिटल आमर कौन डोडोमा। ठीक अच्छे तंजानिया को आमर गोटे डेजिग्नेटेड कैपिटल कराही के मैंने डोडोमा को आमर तंजानिया कैपिटल हिसाब से केवे कराही 1974 तंजानिया कैपिटल डोडोमा हिसाब से मैंने आमर रखाई मन रखी सामिया सुलुहु कैपिटल डोडोमा। व्हिच सिटी रैंक्ड सेकेंड ऑन द कर्नी रिटेल इंडेक्स ऑन March 18, 2021। तो आमर इंडिया रो को सिटी जेके रैंक पाई सेकेंड रैंक ऑन द कर्नी रिटेल इंडेक्स कर्नी गोटे आमर गोटे इंस्टिट्यूट जेके आमर रिटेल इंडेक्स ऊपर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इंडेक्स काढ़े तो सेथरे बेंगलुरु पाई सेकेंड रैंक। तो बेंगलुरु ओवरटुक मुंबई मुंबई आगे थी मैंने आमर सेकेंड रैंक पाई किंतु एबे बेंगलुरु पाई सेकेंड रैंक मुंबई एबे थर्ड आसी। तो बेंगलुरु ओवरटुक मुंबई इन द 2021 एडिशन 2021 जो एडिशन आमर बाहर से बेंगलुरु सेकेंड रैंक पाई कौथे कर्नी रिटेल इंडेक्स। ठीक अच्छे March 18 यार बाहर था रिपोर्ट। तो आ गोटे कथा भी एडिशनल इनफर्मेशन कौन ये रोज बेंगलुरु वाज अल्सो रिनेमड और नेमड आज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द कंट्री कंट्री सब लिवेबल प्लेस कौटा आमर हूँ बेंगलोर या को भी मिली। ठीक अच्छे नेक्स्ट हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डच डच्र किए हूँ न्यू प्राइम मिनिस्टर एवं मार्क रुटे। मार्क रुटे पार्टी एवं आमर बहुमत जीति पारी पार्लियामेंटरी इलेक्शन में मार्क रुटे तो ही बोधे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हिसाब से मानने रखा। तो आमर तांकु से कौन होता ना तांकर गवर्नमेंट चली कि 2021 रेजिग्नेशन देते जनवरी 2021 गवर्नमेंट रेजिग्नेशन देता तो कौन होता ना कौन पाई रेजिग्नेशन देता ओवर ए चाइल्ड वेलफेयर एंड फ्रॉड स्कैंडल चाइल्ड वेलफेयर आउ फ्रॉड स्कैंडल को लेकिन से माने रेजिग्नेशन देते जनवरी 2021 मसीह पुणी थे रिइलेक्शन तो गवर्नमेंट मानने मार्क रुटे गवर्नमेंट पुणी थे बहुमत जीतिकी आसीपारी डच्रे डचर अन्य नाम कौन नेदरलैंड। ठीक अच्छे व्हिच कंट्री हाज रिसीव्ड मालाथियन 90% यूएलवी पेस्टिसाइड को कंट्री एवं इंडिया रो रिसीव करी मालाथियन 90% यूएलवी पेस्टिसाइड आपण जानिथिबे देखंतु ईरान ईरान को मिली इंडिया तरफ रु
Iran second batch of 20,000 liters under government to government low cost control program. Low cost control program under re e malathion 95% ULB pesticide milchi kahaku Iran ko eti dekhantu mu eti map ta de dechi eida hochi amaro India eida hochi amaro Iran India ro dekhantu eida amaro dekhantu ei through re gala eida hochi Chabahar port जोटा कि आमर इंडिया बिल्ड करुच्छे ईरान रे कौन पाई ना आमर इंडिया अफगानिस्तान एटा देखो आमर पाकिस्तान एटा पाकिस्तान देखो तो आउ थरे कहूँ एटा एटा आमर पाकिस्तान एटा इंडिया एटा ईरान ठीक अच्छे एटा अफगानिस्तान देखी पारुथिबे आपण तो आमर इंडिया एठी आमर चाबहार पोर्ट करुच्छे माने आमर पोर्टटा तयारी करुच्छे आमर ईरान रे तो ये चाबहार पोर्ट पाख को नहीं कि इंडिया पहुँचाइला कौन 95% मालाथियन पेस्टिसाइड जोड़ा कि कनसाइनमेंट जो पहुँचला आम चाबहार रे 18 मार्च रे पहुँचला तो सेडा आमर ईरान को दिखाई कौन पाई ये देखी पारे कौन लोकस्ट लोकस्ट मैंने अपन जानते हैं न्यूज रे बहुत थिला कि लोकस्ट अटाक है तार ओडी प्रॉपर ओडियाटा मोर मन पड़ूनी लोकस्ट अटाक मैंने से जो गोटे गोटे पक्षी टाइप रे छोट छोट पक्षी से मैंने कौन करती ना पक्षी तो कह छोट छोट जीव जो मैंने कि आम सब फसल गुड़ा खाई नष्ट कर दिखती तो आप जानते हैं आम आम वर्ल्ड में खाद्यर के अभाव तो जदि ईरान में सब ये अटाक हो मैंने से आड़ू ही आसाला एक्चुअली लोकस्ट अटाक होता है इंडिया को भी आसला गुजरात हरिकार अटाक कर तो सेटा को कंट्रोल करने लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम ताकू टैकल करने इंडिया एवं प्रोभाइड कर यूएलवी पेस्टिसाइड टू क्या ईरान को ठीक अच्छे मन रखुवे यहाँ हूँ चाबहार ईरान रे चाबहार पोर्ट इंडिया तैयारी कराफल कि आम ट्रांसपोर्टेशन बा शिपिंग इंडस्ट्री चलो ईरान दे कि अफगानिस्तान को ठीक अच्छे थैंक यू दैट्स ऑल फॉर टुडे डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल